नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैरिश स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका 30 मई का जनरल इंग्लिश का पेपर लगने वाला है। सेमेस्टर फर्स्ट का जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है उनका जनरल इंग्लिश का पेपर लगने वाला है और उसमें अपन बात करेंगे कि पास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश से काफ़ी सारे डरते हैं और ऐसा लग रहा है उनको कि फेल हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, फेल नहीं होने दूंगा। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ यदि वो आप कवर कर लेते हो तो पास हो जाओगे, इसमें ज़्यादा अंक नहीं लाने हैं। टोटल पेपर आपका 50 अंकों का रहने वाला है और पासिंग मार्क्स 20 अंक इसमें लाने हैं। और ये वो टॉपिक है जहाँ से आप आसानी से क्वेश्चनों को सही कर सकते हो और 20 नंबर तो आप लेकर आ जाओगे। इस वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है उनकी क्लास अपन को कहाँ से मिल सकती है। मैंने जब रेगुलर स्टूडेंटों का पेपर लगा था, ये और उनका सिलेबस भी एक है, आपका भी सिलेबस एक है, तो उस टाइम मैंने जो बड़े तरीके से इन सारे के सारे टॉपिकों को पढ़ाया था, तो वो वीडियो आप कहाँ से निकाल सकते हो चैनल पर, उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। और आज जनरल हिंदी का पेपर हुआ था व्याकरण का, तो उसकी आंसर की है ना जो मैं डालने वाला हूँ चैनल पर, अभी अपलोड कर दी गई होगी और वीडियो मैंने बढ़िया तरीके से बता रखा, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर बीए की सभी सब्जेक्टों के नोट्स, वीडियो और काफ़ी सारी चीज़ें, पेपर ऊपर सब यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कुछ टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी ना। यानी कुल पेपर में से 40% अंक आपको प्राप्त करने हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है, पास होने के लिए। ये टोटल कितने टॉपिक है, इसमें 7 टॉपिक है। सिलेबस इससे थोड़ा बड़ा है आपका, उस सिलेबस में से मैं कुछ टॉपिक निकाल कर लाया हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिलेबस है। पूरा सिलेबस यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। तो सबसे पहले आपका आपके सामने दिख रहा है इंग्लिश टू हिंदी, ये क्या माजरा है। इसमें क्या होगा कि पेपर में आपको कुछ शब्द देगा, कुछ वोकेबलरी देगा, यानी कुछ वोकेबलरी देगा, जैसे आप मीनिंग बोलते हैं ना वो, जैसे दे दिया, मान लीजिए इजी सा बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए बॉय दे दिया, तो इसकी आपको है ना जो हिंदी करनी है, तो इसका मतलब तो लड़का होता है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है कि हिंदी से इंग्लिश आपको बनानी है और वो शब्द देगा और टोटल वो 5 शब्द देगा जिनको आपको है ना जो हिंदी में ट्रांसलेट करना है उसको, ठीक है। या फिर वो है ना जो हिंदी टू इंग्लिश ट्राई कराएगा, यानी वो हिंदी में कोई शब्द देगा और उसकी इंग्लिश कराएगा। मान लीजिए लड़का दे दिया तो आपको बॉय लिखना है वहाँ पर, ये भी 5 दे सकता है। तो इन दोनों में से एक चीज़ आने वाली है, या तो वो इस तरह के 5 शब्द देगा या फिर इस तरह का 5 शब्द देगा, तो ये 5 अंकों का रहने वाला है, ठीक है। या फिर ये चीज़ नहीं दे, मान लीजिए इससे वो क्वेश्चन नहीं बनाकर देगा, तो मान लीजिए इससे क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, तो या तो ये बनाकर देगा या ये बनाकर देगा, तो अधिकतर 90% तो यही आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके बाद में होमोफोन्स और होमोनेमसिस, इन सभी की क्लासें मैंने बढ़िया तरीके से बता रखी हैं, मैं उनको एनर्जी वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कहाँ पर वो क्लासें मिलेंगी। इसके बाद में 5वां है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, ये पक्का आने वाला है, 5 अंकों का ये आता है। तो ये क्या होते हैं एलिमेंट्स, इसको बढ़िया तरीके से समझा रखा है। जैसे एक वाक्य है, राम जयपुर जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो राम इज गोइंग टू जयपुर, ठीक है, अंत में प्लीज स्टॉप। तो वो एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, तत्व। तो वो ये पूछेगा कि इसमें जैसे कोष्टक में दे दिया राम, ठीक है, तो वो ये पूछेगा कि राम क्या है इसमें, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऐसे पूछेगा। मान लीजिए वो ये पूछ ले इसमें दे दे कि यहाँ पर वो दे दे ये इज दे दे, तो आप क्या लगाओगे, इसको हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए जयपुर दे दिया,
तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस कोष्टक में जयपुर दे रखा है। तो ऐसे वो है ना जो पांच वाक्य देगा और पांचों वाक्यों में इस प्रकार की चीज़ें पूछेगा, तो इसको मैंने बढ़िया तरीके से करा रखा है। इसके बाद में फॉर्मल लेटर एंड राइटिंग ईमेल्स, ये टोटल 10 अंकों का आने वाला है। तो पिछली बार क्या हुआ कि सिलेबस में तो फॉर्मल लेटर ही डाल रखा है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया, स्टूडेंटों के साथ में धोखा कर गए और यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर डाल दिया। और बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे पास में कमेंट किया कि सर आपने तो फॉर्मल लेटर बताया था, इनफॉर्मल लेटर आ गया है। तो ये मेरी गलती नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने खुद गलत डाला है सिलेबस में। तो उसने क्या बता रखा है एक्चुअल में, वो क्या चीज़ें डाल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको तो फॉर्मल लेटर ही तैयार करके जाना है और इसको बढ़िया तरीके से मैंने कवर करवाया है। और ये भी आपको ईमेल्स कैसे लिखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से करनी है। और 10th से 5 अंकों का क्वेश्चन आने वाला है। 5 अंकों का क्वेश्चन कैसे आएगा, वो है ना जो वाक्य देगा आपको हिंदी में, ये ऐसे वाक्य देगा और इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, या फिर वो है ना ये 5 वाक्य देगा ऐसे, ठीक है, 5 वाक्य देगा ढाई अंकों के, ठीक है, ढाई अंकों के 5 वाक्य ऐसे देगा हिंदी में और ढाई अंकों के 5 वाक्य इंग्लिश के देगा वो, जिसको आपको हिंदी करना है तो उसमें टेंस का प्रयोग होगा। तो इन सब की वीडियो आपको कहाँ देखनी है, जो आप वीडियो देख रहे हो उस पर चैनल का लोगो डायरेक्ट स्टडी पॉइंट नज़र आ रहा होगा, कहीं पर भी है उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप आओगे तो वीडियो का सेक्शन, आगे साइड में आओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, प्लेलिस्ट का ऑप्शन उस पर क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे तो एक वीडियो दिख रही होगी आपकी, जनरल इंग्लिश सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न पास कैसे हो, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें ये जितने भी टॉपिक हैं उनको बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, यदि इनको 2 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से कवर कर देते हो तो पास मार्किंग आप आसानी से लेकर आ जाओगे। और थोड़ा बड़ा सिलेबस है तो आप गुमराह हो जाओगे, तो उनको पढ़कर भी चले गए तो आ जाएंगे अच्छे अंक। और पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसको भी बढ़िया तरीके से सॉल्व करके जाना। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।